श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि कोई आदमी कहे कि मैंने खाना खा लिया है लेकिन अभी भूखा हूँ, तो जैसे वदतो व्याघात दोष कहते इसको, उसी प्रकार से कोई कहे कि मैं भगवान का भगत हूँ लेकिन दुखी हूँ, मैं भगवान का भगत हूँ लेकिन कंफ्यूज हूँ, मैं भगवान का भगत हूँ लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, तो यह भगवान का भगत होना नहीं है। ठीक से समझ लो। तो भगवान के भगत की बात कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षव। तो ये स्टेजेस है। जैसे पहले हम केजी में जाते हैं, उस समय हमारा वजन किलोग्राम में होता है इसीलिए केजी। फिर हम जाते हैं हाई स्कूल में, फिर हमारा वजन टनों में बदलने लग जाता है। तो जिंदगी भर क्या केजी में ही रहेंगे? कभी तो बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से पहले जीवन में दुख आए तो दुख को लेकर के भगवान से प्रार्थना करी तो आर्त हो गए, और फिर प्रार्थना इतनी एकाग्रता से करी कि दुख भूल गए और परमात्मा जीवन में अब प्राइमरी हो गए, तो आर्त जिज्ञासु, ये भगवान है कौन? ठीक। और फिर उस भगवान की जो चाह है कि मुझे वो परमात्मा चाहिए, फिर हम हो गए अर्थार्थी। देखो कैसे स्टेज से, तो पहले केजी हो गए, फिर हाई स्कूल हो गए, फिर हम कॉलेज में गए, और फिर पीएचडी करें। पीएचडी वही लोग करते हैं, दोज आर गुड फॉर नथिंग। देखो तो ये जो चार स्टेजेस है ये साधना की स्टेजेस यहाँ बताई है। तो जब हमारा ध्यान केवल स्वार्थ में लगा रहता है तो एक आध दिन कस के झटका लगता है, और उस झटके में फिर भगवान की याद आती है तो हमने आर्त भक्त पैदा हुआ, फिर उससे जिज्ञासु भक्त पैदा हुआ, उसके बाद परमात्मा को चाह कि हमको वह परमात्मा चाहिए, दुनिया हट गई, और फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है केवल आत्मस्वरूप से, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यह चार बातें बताने के पश्चात अब ठीक है हमने साधना कर ली। अब सवाल यह है कि हमारे यह साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है तो कैसे पता चले, किसको पूछे? देखो यदि हम किसी को जाके पूछे भाई मैंने खाना खा लिया है, आप बता सकते हो क्या कि मेरा पेट भर गया है? जिसने खाना खाया उसी को पता चलेगा कि पेट भरा है कि नहीं भरा है। इसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो गया है तो इसको दूसरा आदमी नहीं बता सकता, ये अपने को ही जानना है, और वह परमात्मा फिर हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। तो कैसा होगा परमात्मा का प्राकट्य? वासुदेव सर्वमिति, फिर उसके दृष्टि में केवल परमात्मा मात्र रहेगा। देखो जैसे जो व्यक्ति पैसे कमाने में लगे हैं उनको हर जगह में पैसा नजर आता है। एक उदाहरण दे दूं आपको, हम एक बार हमारे मित्र के साथ शिमला गए थे, शिमला या किसी हिल स्टेशन पर गए थे, हम हमारे मित्र उनकी पत्नी और उनकी दो कन्याएं, हम पांच लोग गए, और वहां जाने के पश्चात फिर प्रोग्राम बनाया, ऐसे ऐसे घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दूसरे दिन सुबह उठे, हमारे मित्र कहते स्वामी जी मैं ज़रा चक्कर लगा के आता हूँ मार्केट की, क्योंकि जब तक मार्केट में नहीं जाता ना तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। ठीक है हो गया और जल्दी आना। उन्होंने गाड़ी वापस भेज दी ड्राइवर के साथ और कहा कि आप लोग घूम के आ जाओ, मैं शाम को पहुँच जाऊँगा अपने आप। तो हम शाम को घूम के आए, खूब मौज की, इधर उधर घूमे, खाए पिए, सब कुछ किए। शाम को ये महात्मा जी कहते स्वामी जी कल आपको एक हमारा काम करना पड़ेगा,
हमने कहा मुझे पता है फ्री में थोड़ी लाया है मुझे यहाँ, काम करवाने के लिए लाया है। तो मेरे सामने काम ये है कि यहाँ कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं था अच्छा, तो मैंने पूरा यहाँ का सर्वे किया और फिर एक अच्छे रेस्टोरेंट वाले के साथ बातचीत हो गई पार्टनरशिप में, मैं इन्वेस्ट करूँगा, ये नाम होगा, और फिर हमने यहाँ बिजनेस का डील साइन कर लिया है और कल इसका इनॉग्रेशन आपको करना है। हम सभी प्रकार की इनॉग्रेशन करने के लिए फिट होते हैं। एक जगह एक दवाई की दुकान वाले थे हमारे मित्र फार्मेसी, उन्होंने कर दिया इनॉग्रेशन हमारे हाथ से। स्वामी जी अब बताइए हम आपको क्या दें। हमने कहा ऐसे करो हर एक दवाई की चार चार गोली दे दो, अब उसको क्या मांगेंगे वहाँ से। उसी प्रकार से जोधपुर गए थे हम एक बार, गीता भवन है वहाँ, वहाँ हमारे प्रवचन थे, अब उसी गीता भवन में रहते थे। तो तीन चार दिन हो गए, फिर एक दिन जैसे ये महात्मा जी यहाँ से कुछ ना कुछ अनाउंस करते रहते हैं ना, उन्होंने अनाउंस किया हमारे स्वामी जी यहाँ आए और जो कार्य हमारा पिछले 3 साल से रुका हुआ था वो खुल गया। सब लोग क्या खुल गया क्या खुल गया। हमको किसी ने ये मुर्दों को ले जाने की जो गाड़ी होती है वो भेज दी, लेकिन वो किसी ना किसी रेड टेप पे फंसी थी, अब वो क्लियर हो गया, गाड़ी आ गई। अब मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्वामी जी इसका इनॉग्रेशन करें। देखो महाराज, तो हमारे मित्र ने कहा कि स्वामी जी आपको हमारे नए दुकान का इनॉग्रेशन करना है। अब देखो हम गए थे किस लिए, वैकेशन के लिए, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा था, पैसा। देखो इसको कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं, कई लोग निधि ध्यासन का अर्थ मेडिटेशन करते हैं, नहीं। तो निधि ध्यासन माने चित्त वृत्ति है एकतानता, उसी में लगे रहे मुन्ना भाई, दूसरा कुछ भी नहीं। तो यह जब होने लग जाता है तो वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। फिर ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं कि जो सब में प्रभु का दर्शन करते हैं। यहां तक हमने कल देखा था। अब सवाल ये आता है कि जो महात्मा नहीं है, जो सीएच आत्मा है, देखो सीएच आत्मा मैंने छोटू राम, छोटे आत्मा, तो उनका क्या है, काम स्तय ऋतज्ञाना प्रबद्यन्तेन्य देवताः तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्यानियता स्वया यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। इन 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं कामय ही तही तही ऋतज्ञाना, जिनका ज्ञान जिनकी समझ कामनाओं के द्वारा खींची गई है। देखो हम इस कामना के द्वारा दुनिया में खींचे जाते हैं, तो जिनकी बुद्धि विषयों के प्रति लगी है उनके जीवन में अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वो भिन्न देवताओं के पीछे लगे रहते हैं। देखो परमात्मा के पीछे नहीं लगते। जिस जैसे आप उदाहरण से समझ लो, आपको कुछ काम करवाना है मिनिस्ट्री में, तो फिर आप क्या करोगे, देखोगे कौन सा काम करवाना है, इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के पास गए, तो उस समय हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास थोड़ी जाएंगे, इन उसके पास गए, फिर वो देवता को प्रसन्न करना है, फिर उस देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अलग से होती है, उनके पंडित अलग से होते हैं, उनकी दक्षिणा अलग से होती है, उनको भोग अलग से लगाना पड़ता है। देखो इसी प्रकार से जो जो हमको इच्छा है वैसे वैसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम उन उन देवताओं के पीछे दौड़ने लग जाते हैं, और यदि आप गलत देवताओं के पीछे दौड़े तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक भगत था, उसके घर के पास शीतला माता का मंदिर था, तो उसने सोचा चलो माता से प्रार्थना करेंगे,
बड़ी तपस्या करी, रोज जप किया, खाना नहीं खाया। माता प्रसन्न हो जा, माता प्रसन्न हो जा, शीतला माता प्रसन्न हो गई और कहता है कि हे माते, मुझे एक ऐसा घोड़ा दो कि जो हमेशा रेस जीतेगा। तो शीतला माता को आया गुस्सा, एक चाटा लगा है। बोले क्यों मारा? बोले मेरी मजाक उड़ा रहा है, मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो गधे पे क्यों बैठती। शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है। तो जैसी जैसी हमारी इच्छाएं होती है उसके अनुसार हम उस देवताओं के पीछे लगे रहते हैं। तम तम नियम आस्थाय, फिर उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो संतोषी माता के पीछे लगे हैं। वो खट्टा नहीं खाएंगे। देखो तो हर एक के अपने अपने नियम है और प्रकृत्या नियता स्वया, जैसे जैसे अपनी प्रकृति होती है उसके अनुसार हम उस देवता के पीछे अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। सो यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तो आपके मन में जो भी देवता का विग्रह पूजा इत्यादि करने की श्रद्धा के द्वारा इच्छा है उसकी श्रद्धा मैं उसमें दृढ़ कर देता हूँ। ध्यान से सुनना, तस्या सतया श्रद्धया युक्तः तस्या राधनमीहते लभते च ततः कामान मयि एव विहितान हितान। तो हम जिस भी देवताओं की पूजा करते हैं उस देवताओं की श्रद्धा के द्वारा पूजा करने से जो इच्छाएं हमारी पूरी होती है वो इच्छा परमात्मा के द्वारा ही पूरी होती है और वो जो देवता है वो इन बिटवीन चैनल मात्र है। अब इसको ठीक से समझ लेना, पहले ये देवता शब्दों को समझ लेना। देखो जैसे हमारे शास्त्रों में हर चीज के तीन रूप होते हैं। उदाहरण के लिए आंखें ले लो, जो हमको आपको दिखती है स्ट्रक्चरल आय, जिसको गोलक कहते हैं, यह एक है जिसको कहेंगे स्ट्रक्चरल आय भूत अधिभूत। फिर इसमें विजन है, दृष्टि है, उसको कहेंगे आध्यात्मिक। और इसमें जिसके कारण दृष्टि है वह सूर्य देवता, उसको कहे आधिदैविक। तो हर चीज में तीन बातें हैं। आकाश में जो सूर्य लटकता हुआ दिखता है वो आधि भौतिक सूर्य है, जिस सूर्य के कारण कर्ण का जन्म हुआ था वो आधिदैविक सूर्य है, और जो जिस सूर्य के कारण हमारे आंखों में दृष्टि है वह आध्यात्मिक सूर्य है। इस प्रकार से एक ही वस्तु के तीन रूप हो गए। अब ये बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से एक ही बिजली बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट हो गई, वही बिजली फैन में गति के रूप में प्रकट हो गई। उसी प्रकार से एक ही मन, ध्यान से सुनना, आंखों से निकला तो दृष्टि, वही मन कानों से निकला तो श्रवण शक्ति, वही मन यदि जिह्वा से निकला तो वाक शक्ति, वही मन नाक से निकला तो घ्राण शक्ति। तो एक ही शक्ति भिन्न भिन्न उपाधियों से जब प्रकट होती है तो ऐसे लगता है कि अनेक शक्तियां हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। उसकी जो अभिव्यक्ति है गैजेट्स के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अब समझो आपके कान में कोई गड़बड़ी है तो आप कहाँ जाओगे? आप वो मेंटल हॉस्पिटल में थोड़ी जाओगे, आप जाओगे ENT वाले के पास, क्योंकि ENT की देवता उस प्रकार की इच्छा को पूरा करेगी। आपको बताया ना ENT किसको कहते हैं? ENT माने दैट डॉक्टर हु कैचेस योर ईयर एंड आस्क्स यू टू पे थ्रू नोज, इफ यू डोंट पे ही कट्स योर थ्रोट, ENT। तो ये जो ENT डॉक्टर होगा वो आपके कान को ठीक करेगा। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये भिन्न भिन्न जो देवता है, देवता माने शक्तियां, द्योतना देवहा, जो प्रकाशक है उसको देव कहते हैं,
तो हमारी जैसी जैसी इच्छा है वैसी वैसी इच्छा के अनुसार हम उस देवता के अधिदैविक देवता की उपासना करते हैं और फिर हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन ये हम नहीं समझते कि हमारी इच्छा पूरी करने वाला एक ही परमात्मा है, इन देवताओं की अपनी कोई शक्ति नहीं। ध्यान से सुनना, केनोपनिषद में एक कथा आती है, उसमें कथा ऐसे आती है कि एक बार तृतीय अध्याय में कथा आती है, उसके तीन अध्याय तीसरे अध्याय में कथा। एक बार ये हुआ कि देव और असुर इनका युद्ध हुआ और उसमें देवताओं का जय हो गया। जब इनकी जय हो गई तो देवता लोग बड़े खुश होने लग गए। जब आदमी खुश होता है ना तो किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, जब कंफ्यूज होता है तब डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जब गुस्सा होता है तब डिस्कशन नहीं करना चाहिए, तीन बात। तो ये देवता लोग एकदम खुश हो गए, हम जीत गए वर्ल्ड कप। अच्छा, उसके बाद फिर जीतने के बाद क्या, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी देवताओं की शुरू हो गई, सभी लोग अपने हाथ में लेकर के बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे, हमने जीता, मेरे कारण ये हुआ, मैंने ये किया। जब ऐसे हो रहा था तो परब्रह्म परमात्मा ने एक अत्यंत सुंदर यक्ष का रूप धारण किया और उन देवताओं के पार्टी के सामने जाके खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए तो देवताओं को लगा ये कौन खड़ा है हम लोगों के सामने, तो इसको जानना चाहिए कि विदम यक्षविति। तो अग्नि कहता है मैं जानता हूं, बाकी ऐसे ही है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है। तो अग्नि जाता है उस देवता के पास, यक्ष भगवान के पास। जैसे पहुंचता है तो वहां भगवान कहते हैं तुम कौन हो, देखो ये ऐसा ही है, हम संजीव के घर जाए, ठक ठक आए, उसने दरवाजा खोला, मैं कहूँ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्यों हो, कितनी अपमान की बात है। इसी प्रकार से ये यक्ष देवता खड़े हैं देवताओं के सामने और देवता उनको पूछते हैं, ये यक्ष भगवान पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, पहला इंसल्ट। फिर वो अग्नि कहता मालूम नहीं मेरा नाम, मेरा नाम अग्नि है, ऑफ कोर्स आल्सो कॉल्ड ए जातवेद, जातवेद माने जो सबको जानता है। ऐसा कहा तो यक्ष देवता कहते हैं अच्छा तुम सब जानते हो, तुम में क्या शक्ति है, क्या शक्ति है, दुनिया को मैं जला के खाक कर देता हूं, गुस्से में बोल रहा है। अच्छा दुनिया को जला के खाक कर देते हो, ऐसे करना मेरे पास एक घास की हरी पत्ती है, उस पर एक दव बिंदु है, जरा इसको जला के दिखाओ, तो कितना इंसल्ट फील हो गया होगा अग्नि देवता को। और अग्नि देवता ने शुरू कर दिया 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 100 डिग्री 1000 डिग्री गर्मी, लेकिन वो हरी पत्ती ज्यों के त्यों, और फिर आखिर में सर लटकाए वापस चला। मैं नहीं जानता कौन है ये। फिर दूसरे देवता खड़े थे, मैंने कहा था ना आपने इसको मिनिस्ट्री दी, इसको क्या आता है, मैं जानता हूं पैसे अच्छे कैसे खाना। फिर वायु देवता चले गए, वायु देवता के साथ वही हाल हुआ, तुम्हारा नाम क्या है, वायु मातरिश्वा, क्या कर सकते हो, दुनिया को उखाड़ के फेंक सकता हूं। आजकल चल रहा ना अमेरिका में कितना जोर से आया सैंडी स्टॉर्म, वैसे कर सकता हूं। तो भगवान कहते हैं यक्ष देवता कि अच्छा ऐसे करना ये जो घास की पत्ती है इसको उखाड़ के फेंक दो, तो वो पूरी जोर से लगाता हवा फू करके इन घास की पत्ती जो की थी। उसके बाद वो भी मुंह लटक के चला गया। फिर सब कहते हैं हे इंद्र माने देवताओं के राजा अब तुम जाके देखो। तो जैसे इंद्र पहुंचता है वो यक्ष देवता एकदम गायब हो जाते हैं।
और फिर इंद्र वहां से वापस लौट के नहीं आता, वही शांत रहता है। और उसी स्थान पर जहां भगवान खड़े थे, उसी स्थान पर एक अत्यंत सुंदर हैमवती उमा, हिमालय की पुत्री उमा, शिव जी की पत्नी जिसको कहते हैं श्रुति माता, वो प्रकट हो गई। तो श्रुति माता को इंद्र पूछता है कि ये यक्ष कौन था। तब वो श्रुति माता कहती है, जिसके कारण अग्नि में जलाने की शक्ति है, जिसके कारण हवा में उड़ा के ले जाने की शक्ति है, जिसके कारण ये दुनिया चल रही है, वह परमात्मा था। तो ये जो विजय थी, ये परमात्मा की विजय तुम्हारी नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए जिसका ध्यान अपने स्वरूप पर है, वो छोटी मोटी चीजों में कभी नहीं फंसेगा। इसका एक आपको उदाहरण लू, हमारे जीवन का उदाहरण। एक बार मुंबई की बात है, हम बैठे थे अपने घर में कमरे में, एक माँ उसके लड़की के साथ मेरे पास आई। लड़की हो गई 20-22 साल की, आके नमस्कार चमत्कार कुछ फल फूल दे दिए, हमने नमस्कार किया, ठीक है। बोले स्वामी जी थैंक यू वेरी मच। हमने कहा किस लिए थैंक यू भाई? नहीं, आप उस दिन हमारे घर आए थे तो समस्या हमारी हल हो गई। उन्होंने क्या, कब आया था? मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। बोले नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो, आप हमारे घर आए थे। फिर उन्होंने कहानी बताई कि हमारे लड़की को पता नहीं क्या हो गया था, उसका चेहरा एकदम हनुमान जी के जैसा फूल गया था और वो रो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। तो आपने कहा कि इसको हिंदुजा हॉस्पिटल में ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम ले गए उनको, और वो हॉस्पिटल ऐसा है कि जहाँ एडमिशन मिलने के लिए महीने से क्यों लगता है, लेकिन बोले हमको तुरंत एक बेड मिल गया। एक हफ्ते में जो दवाई करनी थी कर ली, आपने कहा था एक हफ्ते में ठीक हो जाओगी, तो वो हम ठीक हो गए। हॉस्पिटल से डायरेक्टली आपके पास आ रहे थैंक यू करने के लिए। हमने कहा ठीक है जाओ। अब हमको परेशानी शुरू होगी, हमको ना तो योग आता है, ना ज्ञान है, ना तो हम भगवान के भगत है, ना तो जादू टोना आता है। लेकिन वो लोगों ने जो कहा वो झूठ भी तो नहीं हो सकता, और वो हमको बहुत परेशान कर रहा था। फिर हम एक अवधूत महात्मा से मिले, जंगल में रहते थे, गाली देते थे, शिरडी साई बाबा के भगत। तो उनके पास हम गए मिलने के लिए, तो उनको हमने पूछा, तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया। बोले देखो, मदद करने वाला भगवान ही होता है, भगवान ही अपने भक्तों की रक्षा करता है, लेकिन भगवान का अपना कोई नाम रूप नहीं है। तो वो जिस जिस साधक के लिए जो जो नाम रूप फिट होगा, उपयोगी होगा, वह वह नाम रूप धारण करके उस अपने भक्त का उद्धार करता है। कितनी बड़ी बात है देखो। लेकिन अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, और हम सोचने लगते हैं कि मेरे कारण किसका भला हुआ, जो अपना सत्यानाश कर रहा है दूसरे का क्या भला करेगा। देखो संतो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी जो छोटी मोटी चीजों को प्राप्त करके हम अपने आप को बड़ा समझने लगे, तो कहते हैं अंतवंतु अंतवंतु फलत्तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान देवजजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो जगत में आपको जहां सफलता मिलेगी आप वहां जाओगे और वहां फंस जाओगे। देखो, लेकिन जो मेरे भक्त है, जो इस जगत की जो ग्लिटरिंग है इसमें फंसते नहीं, वो मेरे ही पास आ जाते हैं। और भगवान के पास पहुंचने का तात्पर्य एक ही है, हमेशा मौज में रहना। ये कल्पना मत करना मरने के बाद आप वैकुंठ जाओगे। एक सज्जन हमको मिले, महाराज जी बचाइए। हमने कहा क्यों बचाओ, मैं क्या चोरी करी? बोले क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ किया है, अब मैं नरक नहीं जाना चाहता। हमने कहा रोना मत, नरक में जाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, मत जा। बोले नहीं, आपको पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं, अब मेरा मन मुझे खा रहा है, अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो मैंने कहा कि देखो प्रभु, मैं तुमको गारंटी देता हूं, तुम नरक में नहीं जाओ।
बोली इतना सब करने के बाद हाँ लगे ऐसे। हमने कहा अब तुम कहाँ हो? देखो नरक स्वर्ग यह देश विशेष नहीं है, जैसे भोपाल दिल्ली स्थान विशेष है, इसी प्रकार से स्वर्ग नरक यह स्थान विशेष नहीं है। ठीक से समझ लेना संतो, स्वर्ग लोक नरक लोक पाताल लोक, लोक माने अनुभूति अनुभव एक्सपीरियंस। तो स्वर्ग किसको कहते हैं? केला कठोपनिषद में आता है, नचिकेत कहते हैं अपने गुरु महाराज को, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तीन बातें बताते हैं स्वर्ग की परिभाषा क्या है। पहली बात, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, जो डर डर के जी रहा है वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। निडर होके जीना है वो स्वर्ग की अनुभूति है। देखो पहली बात, अच्छा डर किसका लगता है? हमको छह चीजों का डर या परेशानी जीवन में होती है। इन छह चीजों को शास्त्रों में कहते हैं षड उर्मी, छह उर्मियां है। तो कौन सी छह उर्मियां है? स्थूल देह को लेकर के दो परेशानियों से हम दुखी होते हैं, जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु। ये स्थूल देह की उर्मियां जहां नहीं होती वो स्वर्ग है। देखो एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी आप इतने देर बाहर मत रहा करो, बंबई में रहा करो, आप पिछले बार गए तो 6 महीने के बाद आए, हम कहां जाए? हमने कहा ठीक है अगले बार नहीं जाएंगे। तो बोले गए मुझे पिछले 3-4 महीने से जब से आप यहाँ से चले गए डर लग रहा है। किसका डर है? बोले डर लग रहा है क्योंकि मैं जब मरूंगा ना। हमने कहा डरो मत बाबा, तुम डेफिनेटली मरोगे, आई गारंटी यू तुम मरोगे जरूर। नहीं वो नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरा प्रॉपर्टी और मेरा बिजनेस, इसका क्या होगा? ये जो डर डर के जीते हैं वो कोई जी रहे हैं। तो स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति, वहां जरा मृत्यु की फिक्र नहीं। दूसरा अनुभव है अशना पिपासे, भूख और प्यास ये दो चीजें जब परेशान नहीं करती तब हम स्वर्ग में। और तीसरी जोड़ी जो है शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, जो शोक और मोह इनके परे जाकर के रहता है वह स्वर्ग में है। अब देखो स्वर्ग का, तो अपने मन से ये भ्रांति निकाल डालो कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे या मरने के बाद नरक जाएंगे, कहीं कोई नहीं जाता। जितने भी अनुभूतियां होती है वो केवल मन में ही होती है, और ये मन की जो स्थिति है, क्या हमारा मन प्रसन्न है, किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होता, उसका संतुलन बनाए रखा है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध का आवेग हमको परेशान नहीं करता, यदि ये हो रहा हो तब जा करके हम इसी क्षण इसी भोपाल में हम स्वर्ग में। देखो महाराज, इसीलिए संतो भगवान कहते हैं कि जितनी भी शक्तियां है वो सब मेरे कारण है, लेकिन हमको लगता है कि हमने ये हासिल किया हमने वो हासिल किया। तो जो मेरे भक्त है वो कभी भी इस जगत में दुखी नहीं होते। इसलिए देवान देव जो जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, हम भगवान को पहुंच चुके हैं इसका एक ही लक्षण है, किसी भी हाल में हम दुखी नहीं होते। इतनी ही साधना करो महाराज, दुखी मत हो। सास के कारण, बहू के कारण, बच्चों के कारण, माँ बाप के कारण, रोग के कारण, गवर्नमेंट के कारण दुखी मत होना। यदि इतनी साधना करोगे ना तब आपको हर चीज एकदम चुटकी के साथ समझ में आ जाएगी।
तो आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य आपको परेशान होना नहीं है। देखो, नहीं तो आध्यात्मिक साधना के चक्र में पूजा करेंगे और नारियल फोड़ेंगे और दुनिया भर में कचरा करेंगे, रात भर जागृतता करके पब्लिक की शांति नष्ट करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। देखो, अपने मन को शांत प्रसन्न रहो, तब जा करके परमात्मा प्रकट होते हैं हमारे माध्यम से। देखो, ये मन का जो समत्व है, समत्वम योग उच्चते, मन का जो संतुलन है, इसका महात्म्य अभी हमको समझ में नहीं आया। दूसरा कोई कारण नहीं है। भगवान कहते हैं पांचवें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाकेच पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थितः। जो सब में समत्व की दृष्टि से देखता है, सब कौन हो गए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गवि गाय, हस्तिनी हाथ, शुनी कुत्ता, श्वपाक जो नीच प्रकृति का प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सब में जो समान भाव रखता है, उस समत्व के सिद्धि को प्राप्त होना माने भगवान का साक्षात दर्शन होना है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब परीक्षित जी स्टिल बॉर्न पैदा हुए हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका था और उत्तरा चली गई भगवान के पास, इसको जिलाओ, तो भगवान कहते हैं यदि मेरे अंतकरण में सबके प्रति समत्व होगा तो इस समत्व के सिद्धि से यह बालक जिंदा हो जाएगा, वो हो जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिता, इसीलिए परमात्मा, परमात्मा माने क्या है, परमात्मा माने वो अंतकरण जैसे दर्पण हो, दर्पण में सबको प्रतिबिंबित किया जाता है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी को पकड़ के भी नहीं रखता। कल्पना करो, आप गए दर्पण के सामने, एक बड़ी सुंदर विश्व सुंदरी गई किंगफिशर की पहुंच गई, और वहां जाकर के वो दर्पण कहेगा क्या, यार थोड़ी देर रुक जा, जाना मत, और हमारे जैसा फूसट पहुंच गया है, हट, दूसरे को आने दे, नहीं। देखो, उसी प्रकार से जब हमारा अंतकरण केवल जगत को प्रतिबिंबित करता है लेकिन पकड़ता नहीं, दो बातें हो गई, और ये सहज है, तो करना कुछ नहीं है। देखो, समझो एक वस्तु है, कैमरा है, कल्पना करो ये मेरा नहीं है लेकिन मेरा ही है, मांगना मत, तो ये कैमरा है, इसको देखा मैंने, देखने के बाद वही चुप हो गए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन परसेप्शन इज फॉलोड बाय प्रोजेक्शन, फिर उसके ऊपर प्रोजेक्शन शुरू होगा मन का कि ये कैमरा महत्व का है, अच्छा है, मुझे मिलेगा तो ठीक रहेगा, नहीं मिलेगा तो क्या जीवन है, बिना कैमरे के कोई जीवन होता है वो तो लेना ही चाहिए, ये न के न प्रकार है ना, और फिर ये जो जो खिचड़ी बनी है मन में वो हमको बंधन में डालती है। देखो महाराज, भगवान रमण महर्षि कहते हैं प्राण बंधनात् लीयते मनहा एक चिंतनात् नाशमित्यदा। हम लोग केवल मन को लीन करना ही जानते हैं प्राणायाम के द्वारा, आप प्राणायाम करो ठीक से तो थोड़ी समय के बाद आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, समाधि में यही होता है, मन शांत हो गया, लेकिन जैसे समाधि टूट गई, जैसे मन अपने लीन स्थिति से फिर प्रकट हो गया, तो फिर वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब वहां स्टोर करके रखा था, वो निकलेगा नहीं। तो फिर करना क्या है, एक चिंतनात्, अब इस मन को एक के चिंतन में लगा दो। देखो, एक के चिंतन में लगाने से मन मरता है, मन का मरना माने क्या, दारू पीना नहीं, मन का मरना माने जो मन प्रकाशित करता है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं करता, वो मन
देखो बहुत सिंपल बात है, अपने रोज के अनुभव देखो आप। कई जगह जाते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए, वहाँ एक बूथ खड़ा होता है साड़ी पहने हुए, और वहाँ लिखा रहता है 70% डिस्काउंट, और वहाँ के जो लेबल लटके होते हैं ना वो ऐसे लटके होते हैं कि बाहर से नहीं दिखते, अंदर से जाके देखना पड़ता है। और फिर वहाँ देखिए अरे 70% डिस्काउंट, मैं सोच ही रही थी कि ये साड़ी मुझे लेनी है, चलो तो देख तो लेते हैं, और फिर अंदर जाके देखे हाँ अच्छी है 70% डिस्काउंट, कितना मैं पैसे बचा रही हूँ। देखो यदि उसको देख करके निकल जाओ तो कोई समस्या नहीं। देखो डोंट अलाउ द माइंड टू रिएक्ट, इसीलिए अपने मन के तरफ यदि हमने ठीक से ध्यान दिया कि ये मन ही परमात्मा है, यह मन ही देवता है। देखो एक बार हम कहीं जा रहे थे, महाराष्ट्र की बात है, एक देवी का मंदिर बड़े पहाड़ों में है, रेणुका देवी का मंदिर, जहाँ परशुराम जी ने अपनी माँ को मारा था, वो स्थान बहुत पवित्र, बहुत पहाड़ी पर है। तो जब हम जा रहे थे तो बीच में जंगल आता है बहुत गहरा, तो वहाँ हम रुके चाय पानी पीने के लिए, बढ़िया दुकानें थी तो रुक गए। तो वहाँ एक मंदिर दिखा तो हम लोग चलो मंदिर में जाते हैं, बहुत पुराना मंदिर, और उसमें यू वुड सी द स्कॉर्पियंस वेयर देयर, स्नेक्स वेयर देयर, हार्डली एनी बडी यूज्ड टू गो देयर। तो हम लोग गए वहाँ, दर्शन वर्शन किया, हमने कहा देखो किसको मारना मत, तो सब हमला बोल देंगे। उस मंदिर का नाम था मनदेव मंदिर। तो वहाँ के जो सज्जन थे उनको पूछा हमारे मित्र ने, ये मनदेव क्या होता है, हमको नहीं पता, हाँ आपको पूजा करनी है क्या, लाओ दक्षिणा, सीधी बात है, फालतू की बात है। तो हमको उन्होंने पूछा कि स्वामी जी ये मनदेव मंदिर क्या, ऐसे लायक बने कि भगवान हमारे माध्यम से प्रकट हो जाए, तब जा करके हमने भगवद गीता को ठीक से समझा है। इसीलिए नैष्कर्म सिद्धि परमा संन्यासेन अधिगच्छति। और जब व्यक्ति के जीवन से ये करने का रोग निकल जाता है तो उस समय उसके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं, और इसी को कहते हैं संन्यास। देखो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो संन्यास है नैव काशाय वाससा, केवल कपड़ों का रंग बदलने से कोई संन्यासी नहीं होता। फिर नाहम देहो महात्मे थे, यह देहात्म भाव जो है, देहात्म भाव का पूर्ण रूप से जब निराकरण हो जाता है तब जाकर के हमने संन्यास में प्रवेश किया है। देखो संन्यास की दीक्षा जब दी जाती है ना तो उसमें एक विरजा होम किया जाता है, और इस विरजा होम में जो जिसको संन्यास दिया जाता है उसका तो पहले क्षौर करते हैं। इसलिए क्षौर करते हैं क्योंकि जब श्राद्ध किया जाए, पिंडदान होता है, तब शोर करते हैं। तो ये संन्यास जिसको दिया जाता है वो व्यक्ति अपना ही श्राद्ध स्वयं करता है। तो हमने अपना श्राद्ध कर लिया है, अब हम मुर्दे हैं, हमको चूना मत। देखो अब एक बार हमने अपने आप को खत्म कर दिया है, फिर कहाँ कुछ करने का है, करने के लिए कोई तो भी चाहिए। संन्यास में मैं मिट गया है, ना हम देहो, देह ही यदि मैं नहीं हूं तो अन्य करने वाला कैसे हो सकता हूं। देखो इसीलिए संन्यासेन अधिगच्छति। तो क्या क्या बातें हो गई श्लोक में, पहले असक्त बुद्धि सर्वत्र कहीं सटो मत, दूसरी बात जितात्मा अपने अंतकरण पर संपूर्ण नियंत्रण, तीसरी बात विगत स्पृहा किसी से कोई अपेक्षा नहीं, चौथी बात संन्यासेन अधिगच्छति, अब अपने आप को अपने स्वरूप में बिठा दिया। ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन से कुछ करने का जो रोग है हमेशा के लिए मिट जाएगा। और ये जो करने के रोगों को मिटाने की पर आगे कहते हैं सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा प्राप्नोति निबोध में संन्यास समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यापरा। हे कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र,
अब जिसकी यह सिद्धि प्राप्त हो गई, क्या सिद्धि है? अब हमको इस दुनिया में कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। ये ऐसा आनंद है, अंतकरण से सभी इच्छाएं जब मिट जाती है तब जीवन का आनंद क्या है वो वही जाने जो उसको जीते हैं। कौन सी इच्छाएं हमारे अंतकरण में, सभी इच्छाओं को कैसे मिटाए? हम आपके सिंपल टेक्निक बता, हमारे टेक्निक कोई कठिन नहीं है। शीर्षासन खड़े होके चलते रहो, हाँ बड़ा सिंपल है। ना तो जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। मुझे जीना है या मैं तो थक गया हूं, अब तो मुझे आत्महत्या करनी है, मरने या मरना है। ये दोनों की दोनों भ्रांतियां देहात्म भाव से ही होती है। जहां देहात्म भाव होगा वही जीने की इच्छा होगी, जहां देहात्म भाव होगा वही अब मैं कब मरूंगा। एक बुढ़ाऊ अम्मा हमको कह रही थी, अब उनको मिलने गए, उनकी उम्र थी 106 साल। जब हम उनको मिलने गए तो हमने सोचा कि बुढ़ाऊ होगी, बिस्तर पर लेटी होगी, रोती होगी। और हम जब पहुंचे, पहाड़ी में रहती थी, पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, मेरे लड़के ने आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि उनका लड़का 80 साल का था। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, ये भी नहीं कहा कि आओ बैठो, हाँ मुझे ये बताओ मुझे कब तक जीना है, मैं तो तंग आ गई हूँ। मैंने अपने पोतों को शमशान में पहुँचा के आई हूँ लेकिन मैं मरती नहीं, और मैंने सब ट्राई किया है। मैं ड्रिंक करती हूँ, मांस खाती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, तंबाकू खाती हूँ, गुटखा खाती हूँ, फिर भी नहीं मर रही हूँ, और दांत अभी भी एकदम टन है। देखो आ रहा है, मनुष्य को जब तक के देहात्म भाव है तभी तक ये जीना मरने का चक्कर है। इसीलिए सिद्धि प्राप्त, जिसके अंतकरण में ये करने का रोग हमेशा के लिए मिट गया है, उस व्यक्ति को अब परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है और होती है, ये मैं अब तुमको बताऊंगा। इसीलिए कई लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं और परेशान होते हैं, जप करने के लिए बैठते हैं परेशान होते हैं। इसका कारण यही है कि हमारा मन अभी दुनिया में फंसा है और उसको वहीं रख करके जप कर रहे हैं। देखो भगवान के नाम का जप आयुर्वेदिक दवाई खाने के जैसा नहीं करता। आयुर्वेदिक दवाई कैसे खाते हैं? ऐसे मुंह में डाल करके एक गिलास पानी पी लो, छिनी देना। तो हम ऐसे भगवान का नाम लेते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, भगवान कहते अरे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, किसको बुला रहे हो? ये नहीं होता। भगवान का नाम लिया जाता है जैसे हम चॉकलेट खाते, चॉकलेट आदमी एक जमा के एकदम निगल थोड़ी लेता है, उसको तो अपने जीवा पर रखा है घंटों तक और उसको चुसे जा रहे हैं, मजा आता है। इसी प्रकार से भगवान का नाम वाणी पर अवतरित होने से जीवन में रस प्रकट होता है। रसो वै सहा रसगम हे वायम लब्धा आनंदी भवति। ओम श्री राम जय राम। Yeah.
में शरीर की एक एक सेल उसमें राम नाम का आवाज होता है। उस समय हमको कुछ करना पड़ना थोड़ी है, पहले नाम लेना पड़ता है, बाद में नाम अपने आप प्रकट होता है। कोई भी धर्म ले लो, सभी धर्मों में यह नाम साधना जो श्रेष्ठ बताई है, लेकिन हम करते हैं एग्जैक्टली उल्टा। केवल भीड़ भाड़ खत्म करके भगवान का नाम लेके फेंक दिए माना, नहीं। तो किस प्रकार से इस परमात्मा को हम पहचान सकते हैं हम बताएंगे। अब हमसे सुनो ठीक से, समासे नैव। अब शॉर्ट में हम बताएंगे, भगवद गीता पूरी होने जा रही है, अर्जुन भूलना मत, तुमको यहाँ युद्ध करना है। सत्संग को बैठना बड़ा आसान है, सत्संग से उठ करके घर जा करके रोटियाँ पकानी है, भूलना मत। सत्संग में बड़ा अच्छा लगता है महाराज जी, घर में जब आते हैं तो कठिन लगता है क्योंकि घर में काम पड़ता है। यहाँ आकर के भ्रांति होती है, चलो हम तो बड़े सात्विक हैं, हम बड़े अच्छे हैं। और आपके घर के लोग भी कहते होंगे कि आप जाओ ना सत्संग में, स्वामी जी का आपको अच्छा लगता है ना, भी आ रहा है क्यों जाओ, क्योंकि आपके जाने से शांति होती है। कहाँ, घर में। अच्छा महाराज, और ज्ञान की परानिष्ठा क्या है, ये दो बातें ठीक समझ लेना। ज्ञान की परिपक्वता को भक्ति कहते हैं और भक्ति की परिपूर्णता को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और भक्ति ये दो बातें नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ज्ञानी कहते हैं क्या वगैरह, राम राम करते रहते, इसलिए कुछ करते रहते नहीं, पढ़ाई नहीं करते। और जो भगवान के भगत लोग हैं ये क्या घटाकाश भटाकाश पटाकाश करते हैं, कुछ नहीं होता, राम नाम लो। ऐसे नहीं, दोनों एक ही है। अब यहाँ बताते क्या है वो, पहली बात बुद्धिया विशुद्धया युक्त। अभी हमको अभी तक जो बताया था ना, कर्ता तीन प्रकार के, कर्म तीन प्रकार के, ज्ञान तीन प्रकार के, बुद्धि तीन प्रकार की, धृति तीन प्रकार की, सुख तीन प्रकार का, फिर उसमें तीन प्रकार क्या हो गए, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। ये शब्द तीन तीन बताए थे, उसमें से अब हमको सब सात्विक 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 इकट्ठा कर लेना है। और उसके पश्चात बुद्धिया विशुद्धया युक्तहा। तो शुद्ध बुद्धि कौन सी है, शुद्ध बुद्धि वो है बुद्धि माने समझ, जिस बुद्धि में एक को महत्व दिया जाता है वो शुद्ध बुद्धि है। तो एक क्या है, जो बुद्धि अनेकता में नष्ट हो जाती है वो दुर्बुद्धि है। जो अनेकता में भी एक को पहचान सकता है वो है सत्य। इसलिए यह शुद्ध बुद्धि को लेकर के फिर धृत्यात्मान, धृति भी सात्विक होनी चाहिए। सात्विक धृति माने कौन सी, हमको बताया जिस धृति के द्वारा हम अपने साधना के क्रम से कभी भी नहीं हटते। हमको बताया था 33वें श्लोक में, धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो भगवान के मार्ग पर चल पड़े, अब लगे रहो, डोंट गिव अप। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको भगवान का नाम लेने में बड़ा रस आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, तो नेवर माइंड, लगे रहो, छोड़ो मत। जिनको एसिडिटी हो जाती है ना, उनको मिठाई भी कड़वी लगती है। इसी प्रकार से जिनको मानसिक एसिडिटी हो जाती है उनको भगवान के नाम में रस नहीं मिलता। अब जिनको एसिडिटी हो गई, हर जगह कड़वाहट लगती है, तो उनकी दवाई क्या है, कड़वा लगते हुए भी मीठा खाते रहो। तो वही जो मिठाई पहले कड़वी लगती थी,
थी वही खा खा करके वही दवाई बन जाती है और उसके द्वारा उस एसिडिटी को मिटा देती है और फिर उसकी मिठास अपने आप ऊपर आ जाती है। इसीलिए जिनको एसिडिटी होती है उनको बता देना सुबह सुबह उठ करके 1 किलो जलेबी खा लो और 2 लीटर दूध पी लो गर्म गर्म, ठीक हो जाओ। ऐसा रोग सबको हो रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है कि इस मिठाई के ही द्वारा हम उस रोग को मिटाते हैं। इसी प्रकार से भगवान के नाम में आपको भले रस ना आवे, नेवर माइंड, शुरू हो जाओ। और एक बार आपने शुरू कर दिया फिर छोड़ना, और फिर धीरे 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 अपने मन में जो अनेक बुराइयां है उसमें सबसे बढ़िया एक बात है कि मन किसी भी चीज का आदत एकदम डाल लेता है। फॉर्मेशन ऑफ हैबिट इज वेरी वंडरफुल थिंग इन द माइंड। जिसको भगवान का नाम लेने की आदत पड़ गई अपने आप नाम आता रहेगा। इसीलिए बुद्धिया विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च, और अपने मन का ठीक से नियंत्रण किया शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा। अब जगत के विषयों के प्रति जब तक हमारे अंतकरण में महात्म्य होगा तब तक के ये दुनिया के विषय हमसे दूर नहीं जाएंगे। और कोई भी विषय ये नहीं कहता कि मुझे लो। एक महात्मा के जीवन की कहानी बताते हैं। एक सज्जन पहुंच गए, उनका कीर्तन भजन चल रहा था। महाराज जी बताइए, मुझे ये संसार ने बड़ा पकड़ के रखा है, कैसे छुड़ाऊँ अपने आप को संसार से। महात्मा जी के बैठो जरा, मेरा कीर्तन पूरा होने दो। कीर्तन पूरा हो गया, बाहर गए, एक पेड़ था, उस पेड़ को महात्मा जी ने पकड़ रखा और चिल्लाने लगे, अरे दुनिया वालों मुझे छुड़ाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ के रखा है। तो ये जो ज्ञानी आए थे बोले, अभी तक तो वहाँ ठीक बोल रहे थे आपको क्या हो गया है, क्यों पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है? महाराज आपने पेड़ को पकड़ के रखा है। अच्छा, इसी प्रकार से आपने संसार को पकड़ के रखा है, संसार किसी को नहीं पकड़ता। देखो कहाँ की बात है, ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, ये अपने पोतों के प्रति जितने आसक्त होते हैं उतने अपने बच्चों के प्रति भी आसक्त नहीं थे। इसको लेकर के मुझे एक ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप जो कहते हैं ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये दादा दादी का अपने पोतों के प्रति इतना प्रेम क्यों होता है? हमने कहा देखो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, प्रेम में कुछ नहीं होता। फिर ये जो होते हैं ना इनके बच्चे, दादा दादी के पुत्र या कन्या, इन्होंने अपने माँ बाप को काफ़ी छला होता है। अब इसका बदला कैसा लेंगे? फिर वो उनके बच्चों को बिगाड़ के रखते, और जब उनको बिगाड़ के रखा तो वो अपने माँ बाप को छलेंगे, तब दादाजी कहेंगे अब आया समझ में, तूने मुझे बचपन में ऐसे ही छला था। इस बदले की चक्कर में बाकी कुछ नहीं है। देखो कई जगह ये माताएं कहती है अपनी जवान लड़कियों को, बेटा तुम जब माँ हो जाओगी ना तब तुमको समझेगा जो मैं कहती हूँ। और समझाने के लिए पोतों को बिगाड़ के रख दो ताकि ये एकदम गुप्त हो गए। इसीलिए बुद्धिया विशुद्धया युक्ता धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा। जगत के किसी भी वस्तु विषय के प्रति आकर्षण ना हुए, राग द्वेषो विदस्य च। अब महत्व की बात, ये कल्पना मत करना कि हमारे मन में राग द्वेष नहीं होगे, ये संभव नहीं। क्योंकि राग द्वेष के जोड़ को ही मन कहते हैं। जहां राग द्वेष खत्म हो गए वहां मन खत्म हो गया। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छे तौ यस्य परिपन्थिनौ। यह स्वाभाविक है
कि इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति राग द्वेष होगा। किसी को बैंगन अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है। आप पंजाबी होगे तो खातिरदारी की इस बात सोचोगे तो बैंगन ना पड़ता, दूसरा सोच ही नहीं सकते। और हमको ये बैंगन नाम की वस्तु बिल्कुल पसंद नहीं। आप किसी के यहाँ चले जाओ तो बैंगन खिलाएंगे, जब हम बैंगन को देखते हैं अपनी थाली में तो हम अपने पर तरस खाते हैं कि हे भगवान, छलना हो तो तुमने यही अवतार लिया, बैंगना होता। जब समझो कोई चूहा मरा पड़ा हो तो क्या करेंगे, उसके ऊपर में एक टिश्यू पेपर डाल करके उठा करके फेंक देंगे। इसी प्रकार से जब बैंगन आता है ना, तब उसके ऊपर में रोटी डालता हूँ, उठा करके एकदम भगवान का तीव्रता से नाम लेकर के मुँह में डाल करके एक गिलास पानी पी करके आता हूँ, जैसे आयुर्वेदिक दवाई खा ली। जैसा हम करते हैं तो उस अम्मा को लगता है कि हमको बैंगन अच्छा लगता है और भी अच्छा। इस दुनिया में राग द्वेष नहीं होगा, ये संभव नहीं। फिर करना क्या है, राग द्वेष के वश में नहीं जाना है। तो राग द्वेष के वश में नहीं जाना है तो क्या करना है, सहलो सहलो सहलो। जगत में सहना ये बहुत बड़ी साधना है। अपने शिरडी साहिब बाबा के दो शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी माने सहनशीलता। नारी या स्त्री शक्ति है, आजकल नवरात्र चलता है, नारी या स्त्री शक्ति है। फिर आदमी क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष सहन शक्ति। राग द्वेषो विदस्य च सहलो, जीवन में राग द्वेष के वश नहीं जाना। आप ये तो जगत में व्यवहार की बात हो गई, अब आकर के अपने में लगे। अपने में क्या लगना है, विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अब हम अपने पर काम कर रहे हैं, अब दुनिया को छोड़ दिया। पहली बात, विविक्त सेवी, भीड़ भड़कके से अपने आप को बचाओ। हमेशा दुनिया में फंसे, दुनिया में कब तक रहोगे? देखो ये हम बुढ़ाओ लोग समझते नहीं और फिर सोचते हैं कि देखो आजकल के बच्चे हमारा आदर नहीं करते। अरे भैया, जहाँ अपनी आवश्यकता नहीं वहाँ से हट जाओ। हम आप उदाहरण देते हैं, कलकत्ते की बात है, एक अग्रवाल फैमिली, हमारे बड़े घनिष्ठ, उनकी जो छोटी लड़की थी उसको मैं जानता था जब वो 5-6 साल की थी। अब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई कलकत्ते में। हम उस समय कलकत्ते में थे तो शादी के समय हम नहीं जा पाए, तो उसने कहा कि यदि स्वामी नहीं आएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर उसके पिताजी मुझे लेने आए, स्वामी ने अब वार्ड बैठी है, प्लीज़ चली। हमने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, अभी मेरा यहाँ का लेक्चर पूरा हो गया, मैं आता। मैं वहाँ गया, अब वो पूरा थाली सब लगा हुआ है डाइनिंग टेबल पर, अब सब जवान लड़के लड़कियाँ बैठे और मुझे उस पर बुढ़ाओं को बैठा दिया। अब इन लोगों में ये समय होता है एक दूसरे की छेड़ खाने, मजाक करने का। उस समय मैं बुढ़ाओं बैठूँ तो उनका मजाक गिरा हो गया। तो मैंने एकदम नरसिंह वहाँ अवतार धारण कर लिया। हमने कहा मैं सबके यहाँ नहीं बैठूँगा, अलग बैठूँगा, मेरा व्रत है, अलग कमरे में दूसरा कोई नहीं आएगा और पुरुष देगा, स्त्री मेरे पास खाना नहीं देगी। उनको लगा स्वामी जी को क्या हो गया, हमने ऐसे ही है। हम अंदर जाके बैठे तो हमारे मित्र, हम स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हो गया आपको? हमने तुम चुप बैठो, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। अब वो बेचारा दोनों तरह से परेशानी, इधर से लड़की से दूसरा मेरे से।
फिर वो लोग बाहर बैठ करके डाइनिंग टेबल पर अपना खूब इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, इसकी जूती उठा के ले गई, उसको कुछ खिला रहे हैं, सब उनका आनंद चल रहा है। मैं कमरे में बैठा, मेरी एक सामने ऐसा आपने क्यों किया, हमने कहा बुढ़ाओ ये समझो ये जवान लड़के लड़कियाँ उनका मजाक करने का समय होता है, बुढ़ाओ सामने होगा तो उनकी मजाक किरकिरी हो जाएगी, दूध में नमक मत डालो। लेकिन हम बुढ़ाओ लोग चाहते सब जो कहा चल रहा है बेटा नहीं वी आर लविंग डैडी, अरे हटो यहां से, ये बहुत महत्व की बात है महाराज। जहां अपनी आवश्यकता नहीं होती है ना वहां से हट जाओ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। विविध से भी अपने आप में फिर लघुभाषी, लघुभाषी माने अपने खाने के बारे में आपको बताते हैं। एक तो खाना हम सब जानते हैं, खाने का नियम योग शास्त्र के अनुसार ये है, ये कुंडलिनी उपनिषद में ये विषय आता है, उसमें बताते हैं खाने के चार भाग करो, जितना खा सकते हैं 50% खाओ, इतना डट के मत खाना कि कोई पूछता है खाना हो गया बोलते क्यों नहीं, अब कैसे बोले, फिर भी अगला पूछता है क्या खाया, अब तो बोलना ही पड़ेगा, फिर भी बोल नहीं सकते तो निकाली जलेबी दिखाई बेरल इतना मत खाओ, कीप ऑलवेज 50% स्टमक एम्प्टी और अपने हंगर हमेशा बनी रहनी चाहिए। फिर 1/4 पानी डालो और 1/4 जो है वहां वेंटिलेशन हो ले, लघुभाषी। लेकिन हम भी डट के खाते हैं और अगला बैठा है ऐसे लगता है कि उसको खिला खिला के मार डाले। हमको हमारे मुंबई के एक सिंधी की याद आती है, एक दिन हमने सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक 4-5 बार खाना खाया, कितना आदमी खा सकता है। हमने कहा देखो यार मैं आ रहा हूँ लेकिन पानी भी नहीं पीऊँगा, खाने की तो बात ही नहीं, नहीं आप आ तो जाइए फिर देख लेंगे। अच्छा हम पहुँचे और फिर उन्होंने खाना खूब बना के भाजी खाई, हमने हम नहीं खा पाएंगे, प्लीज़ खाइए हमारे लिए खाइए। हमने कहा महात्मा जी मैं खाऊँगा तो मरूँगा, अरे कोई बात नहीं खाइए मरो खाओ। देखो ये कोई व्यक्ति है लघुभाषी, ये तो खाने की बात हो गई। दूसरी महत्व की बात, हम केवल मुख से ही नहीं खाते, हम इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करते हैं, आंखों से रूप रंग का, कानों से शब्दों का इत्यादि। तो अपना इस जगत के विषयों के प्रति कम से कम आकर्षण होवे, ये इसीलिए विविक्त से भी लघुभाषी यतवा कायमान सहा, वाणी काया और मन इन तीनों पर नियंत्रण हो गए। वाणी पर नियंत्रण हो कि हम दूसरे के बारे में कम से कम बोले या ना बोले, इससे भी ज्यादा महत्व की बात है, हमको भगवद गीता में ही बताया वाणी की तपस्या क्या है। वाणी की तपस्या ये नहीं कि हम मौन कर रहे, कई हो गया आपने देखा होगा आजकल बाबा जी का मौन चल रहा है। हम एक बार गए थे हरिद्वार के बाद किसी को मिले तो महात्मा जी का मौन चल रहा है, ठीक है हम चलते वापस। तो चिट्ठी आई महात्मा जी की सेवक को, उनको बुलाओ। तो हम अंदर गए, अब मौन उनका है, हम तो बोल सकते थे ना, लेकिन हम भूल गए, हमको लगा हमारा भी बोल गया कुछ बैठ। फिर उन्होंने लिखा कागज, आप कहाँ से आए। फिर मैंने कागज उत्तर दिया, अब मैं तो बोल सकता लेकिन दिमाग मजा आ जाता है। अब देखो यदि मौन है तो अन्य के साथ बोलना बंद करना ये मौन नहीं है, वाणी की तपस्या है, मन प्रसाद अन्य वाणी की तपस्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयन, ऐसे बोलो कि अपने बोलने से किसी के भी हृदय में उद्वेग निर्माण न हो,
और मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। इसलिए जो लघ्वाशी है, कम से कम खाना, इंद्रियों का व्यापार और यतवाक्काय मानसा, तो यह हमारे जो वाणी है इसको कम से कम इस्तेमाल करें। देह ऐसा रहे कि हमको जब चाहे तब उपलब्ध हो। ध्यान से सुनना, ये योगा योगा करने वाले होते हैं ना, योगा करते समय तो खूब उल्टा सीधा करेंगे, बाद में उनसे कुछ नहीं होता। असली शरीर की साधना है हमारा देह, जब हम चाहे जितने समय तक चाहे उस समय देह उपलब्ध हो, तब जाकर के हमने देह पर, वाणी पर, मन पर नियंत्रण किया है। उसी प्रकार से मन पर नियंत्रण माने मन को बांध बुन के नहीं रखना, इसको ध्यान से समझ लेना संतो। हमारा मन स्वयं होकर के जिस वस्तु में जाता है वहां उसको नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो साधारण व्यक्ति का मन हो गया, जैसे बच्चों को खेलने में मजा आता है तो उनको मन को खेलने में लगाने के लिए कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है। जो साधु संत है, साधक है, उनकी विशेषता क्या है? जो अच्छा लगता है इसीलिए मन लग रहा है, ऐसी बात नहीं। मन को लगाना है इसीलिए मन लग रहा है। ये जो स्वतंत्र है अपने मन को जहां चाहे लगाना, वो यतवाक्काय मानसः का। फिर ध्यान योग परो नित्यम, फिर रोज सुबह या रात को जब भी समय मिले एक एक दो दो घंटे शांत बैठना शुरू कर दो। ध्यान की अनेक प्रक्रिया है, विज्ञान भैरव नाम का ग्रंथ है, उसमें 112 टेक्निक बताए हैं। हम आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताते हैं, कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं। पहली टेक्निक, ध्यान करो मन। दूसरी टेक्निक, ध्यान दो। आप किस पर ध्यान देवे? जो वर्तमान में है उसकी तरफ ध्यान दो। तो क्या है वर्तमान में? केवल एक ही बात होती है वर्तमान में, और वो होती है अपनी सांस जो चल रही है। केवल शांत बैठ करके अपने सांसों का आना जाना, इसके तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करना, एकाग्रता मत करना। केवल ये जो सांस चल रही है इसके तरफ केवल ध्यान देना। सांस चलती है वर्तमान में, इस सांस के तरफ जब हमारा ध्यान होगा तो हम केवल वर्तमान में ही रहेंगे, और जब वर्तमान में रहेंगे तो 100% हो जाएंगे। हम पट जाते हैं, कुछ हमारा भाग भूतकाल में चला गया, कुछ हमारा भाग भविष्यकाल में चला गया। हम यदि बुढ़ाओ है तो 90% भूतकाल और 9% भविष्यकाल, 1% वर्तमान का। यदि हम छोटे हैं तो 90% भविष्यकाल, 9% भूतकाल, 1% वर्तमान का। साधना यही है कि वर्तमान में हम 100% उपलब्ध हैं। 100% उपलब्धि को कहते हैं प्रेम, 100% उपलब्धि को कहते हैं ज्ञान, 100% उपलब्धि को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। और उसमें जो अनुभूति है उसको कहते हैं आनंद। ये सुबह सुबह आकर के यहां हा 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 करना, वो आनंद नहीं है।
वो पक्षियों के साथ कॉम्पिटिशन है, कौवे कहते हैं कौ वो आनंद नहीं है, देखो महाराज। जब हम केवल वर्तमान में सहज रहने लग जाते हैं तब हम ध्यान दे रहे हैं। जब जब हम कोई जोक अच्छा समझते हैं और खूब बढ़िया हंसते हैं उस समय हम वर्तमान में होते हैं। उस समय भूत भविष्य में नहीं होते, और इसीलिए ध्यान योग पर ज्यादा से ज्यादा समय हमको वर्तमान में रहेगा। अब देखो, क्या हमको चॉइस है कि हम भूतकाल में रहेंगे कि भविष्य काल में रहेंगे कि वर्तमान में रहेंगे? चॉइस कहाँ है? वी हैव टू लिव ओनली इन द प्रेजेंट, पहली बात। दूसरी बात, हम जो भी कर्म करते हैं क्या कोई कर्म गए बीते कल को कर सकते हैं या आने वाले कल को कर सकते हैं? नहीं, हम जो कर्म करेंगे वो अभी ही करेंगे। कितनी सहज बात हो गई। अब तीसरी बात, यदि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आनंद को प्रकट कर रहे हैं, आनंद को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, जब कर्म आनंद को प्राप्त करने के लिए करेंगे तो हमने अपने आप को भविष्य में ढकेल दिया, क्योंकि कर्म का फल तो भविष्य में आएगा, वर्तमान में थोड़ी आएगा। इसीलिए ध्यान का तात्पर्य क्या हो गया है कि जो जो हमको करना है उसमें आनंद प्रकट होवे, आप ध्यान में जी रहे हैं। नहीं तो मेडिटेशन के लिए बैठे आधे घंटे मेडिटेशन, 30.5 घंटे फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं होता। इसीलिए ध्यान योग पर नित्यम, ये अखंड है। इसीलिए कई साधक लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन परेशान रहते हैं। एक सज्जन हमको मिलने आए अपने मित्र के साथ, वो मित्र को कहते हैं स्वामी जी ये हमारे मित्र है और इनको कुछ पूछना है आप, और फिर हमने कहा शुरू हो जाओ, क्या पूछना है? बोले स्वामी जी इनकी जो है ना, हमने कहा ये गूंगे हैं क्या? बोले नहीं ये बोल सकते, इनको बोलने दो, तुम वकील हो गया उनके। ठीक है भाई तुम बोल, स्वामी जी को गुस्सा आ गया। हरे हम ऐसे ही है गुस्सा, और फिर उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे सभी चक्र खुल गए हैं, क्या करूं? मैंने कहा कि प्रभु मेरे सब बटन खुल गए, क्या करूं? बंद कर दो। फिर मेरी कुंडलिनी जग गई है, अब क्या करूं? सुना दो। एक बात स्पष्ट समझ लेना, जब तक आपके मन में प्रश्न आते हैं तब तक के आप प्रभु से बहुत दूर हैं। जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता वो परमात्मा है। अब ढूंढो किसके बारे में प्रश्न नहीं आता। बहू के बारे में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न पत्रिका आती है। प्रश्न केवल एक चीज के बारे में नहीं आता, अपने होने के बारे में प्रश्न नहीं है किसी के मन में कि मैं हूं या नहीं हूं। यहां जो अखंड सत्ता है इसको निर्माण थोड़ी करना है। देखो आप हमारे हाथ की 5 उंगलियां देख रहे हैं। अब ये उंगलियां 5 इसलिए है कि आपने 2 उंगलियों के बीच में आकाश को ग्रहण किया है, इसीलिए 1 पंजे के 5 उंगलियां हो। यदि आपने आकाश को ग्रहण किया है ये समझा और केवल आकाश में ही लगे रहे तो ये 5 अपने आप गायब हो जाएंगे। जैसे
आप दर्पण के सामने खड़े रहो अगली बार, तो पहले आप दर्पण के प्रतिबिंब में देखो, तो आपको जो दर्शन हो रहा है वो आपका ऑब्जर्वेशन नंबर वन। उसके बाद दर्पण के पृष्ठ भाग को देखो। जब आप दर्पण के पृष्ठ भाग को देखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो गायब हो जाएगा, और जब आप दर्पण के पृष्ठ भाग को नहीं अपने दृष्टि को देखो तो दर्पण गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम जगत के वस्तुओं को त्याग देते हैं तो इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों को त्याग देते हैं तो मन में आ गए, वृत्तियों को त्याग दिया तो चेतन सत्ता में आ गए। चेतन सत्ता में काल का प्रभाव नहीं होता, काल का जन्म होता है मन से। इसीलिए जब हम ध्यान योग परो नित्यम केवल अपने सांस के बारे में जागृत रहे, बिना किसी प्रयत्न से एक क्षण में आपका मन प्रभु में लीन हो जाएगा। ज्ञान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जिसके हृदय में वैराग्य है। वैराग्य का तात्पर्य है राग का विरोधी द्वेष है। वैराग्य का तात्पर्य है जो राग द्वेष के परे है। जब तक के हमारे अंतकरण में किसी के प्रति राग है, अन्य के प्रति द्वेष होगा। एक बार हमको किसी ने खाने पे बुलाया, हमने कहा आचार्य पहुंच जाएंगे। स्वामी जी आप बुरा मत मानना, लेकिन आप अकेले आना। ठीक है, उसमें क्या बुरा मानना है? अच्छा कहा कि स्वामी जी बुरा मत मानना, लेकिन अपना खाना लेके आना, तब मैं बुरा मानता। गए उनके यहाँ, वो कहे स्वामी जी आपको बुरा तो नहीं लगाना, हमने उस व्यक्ति को अवॉइड करने के लिए कहा आप अकेले आओ। ठीक है, जब तक मुझे तुम खाना देते हो तब तक तुम अच्छे हो। फिर कहते हैं कि स्वामी जी वो जो व्यक्ति है ना, हम उससे बहुत द्वेष करते हैं, आई हेट हिम, और इसीलिए मैं उसको अपने घर में नहीं आने देता। तो मैं जोर से हंसा, बोले क्यों आप हंस गए? हमने कहा देखो यार, जोक जब होता है तो हंसना चाहिए ना, उसमें क्या जोक है? जोक ये है कि तुम उसे द्वेष करते हो इसीलिए घर में नहीं आने देते, लेकिन वो तो तुम्हारे दिल में बैठा है। राग द्वेष दोनों के परे जाना है, और दोनों के परे तभी जाएंगे जब हमने जिसको हम ज्यादा महत्व देते हैं वही हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और जिसको हम महत्व नहीं देते उसको हृदय में प्रवेश नहीं है। इसीलिए वैराग्य समुपाश्रितः। ये दुनिया में ना किसी से झगड़ा करो, ना किसी से प्रेम करो, दूर रहो। हमारे पंढरपुर में महाराष्ट्र में एक भगवान है विठ्ठल भगवान, तो वो ऐसे खड़े रहते हैं। ये जो होते ना प्रश्न पूछने वाले, इनको कोई लिमिट नहीं होती प्रश्न पूछने। तो हम जब गए दर्शन करने के लिए, अब हमने दर्शन किया निकले, हमारे साथ कमांडर थे स्वामी जी, ये भगवान ऐसे क्यों खड़े? हमें उनको पूछो, मुझे क्यों पूछना?